नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। गया शहर के रामपुर पुलिस ने हाल के दिनों में बढ़ती मोबाइल और सोने की चेन स्नैचिंग गिरोह की सक्रियता को देखते हुए गिरोह का पर्दाफाश करते हुए गिरोह के मुख्य सरगना को चोरी के कुल 7 मोबाइल, 1 लैपटॉप, 1 मोटरसाइकिल और 16 ग्राम सोने के साथ गिरफ्तार किया है। मामले में CTDSP PK साहू ने बताया कि पकड़े गए अपराधी शिवम और शुभम कुमार ने अपने स्वीकृति बयान में बताया है कि छीने गए आभूषण टावर चौक के पास स्थित ज्वेलर सुरेंद्र कुमार और ब्रह्मदेव भर्मा के पास बेचा करते थे, जिसे वह गलाकर परिवर्तित कर आभूषण बना देता था। हाल के दिनों में शहर में मोबाइल और चेन स्नैचिंग की घटनाएं काफ़ी बढ़ गई थी। कभी कभी पकड़े भी गए हैं, लेकिन कुछ लोग उसके सदस्य भाग गए, जिसके कारण इस घटना पर रोक नहीं लग सका। कल सुबह में सिकरिया मोड़ पर एक हमारे PSI हैं पवन और एक प्रशांत सब इंस्पेक्टर हैं, ये लोग चेकिंग कर रहे थे। वहाँ पर एक बाइक पर दो पकड़ा गया, सुरेंद्र और शिवम और शुभम। पहले नाम अपना गलत बता रहा था, फिर उसका नाम ट्रेस आउट हुआ शुभम करके। इन दोनों के बाइक से जब तलाशी ली गई तो 5 मोबाइल, कुछ कैश और एक लैपटॉप पकड़ा गया और एक बाइक जिस पर ये लोग सवार थे। किसी भी सामान के बारे में कोई स्पष्ट पूछताछ में जवाब नहीं दिए और दिग्भ्रमित करने का प्रयास किए। इनसे सख्ती से जब पूछताछ की गई थाना पर लाकर के, तो इनके द्वारा सभी घटनाओं में अपनी संलिप्तता स्वीकार किए। इनसे मुख्य रूप से आशा सिंह मोड़ के पास एक घटना घटी थी, जो एक चेन छीना गया था प्रोफेसर साहब के पत्नी के द्वारा। उससे एक सिविल लाइन में विशाल तलाव के पास घटना घटी थी चेन स्नैचिंग का। गया महानगर विकास संघर्ष समिति और कांग्रेस पार्टी के संयुक्त तत्वाधान में घरेलू गैस मूल्य वृद्धि वापस लेने पर सब्सिडी की राशि बैंक खाता में भेजने को लेकर प्रदर्शन किया गया। गया के चौक, किरणी घाट, कोतवाली, आज़ाद पार्क सहित कई स्थानों पर घरेलू गैस मूल्य वृद्धि वापस लेने, सभी के खाते में सब्सिडी राशि भेजना शुरू कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन जन जागरण किया गया। महानगर विकास संघर्ष समिति के दोनों के संयुक्त तत्वाधान में आज गया शहर के आम जनता उपभोक्ता के साथ एक प्रदर्शन निकाला गया, जो कि गया शहर के चौक चौराहे पर जन जागरण अभियान किया गया और आम जनता से ये आगाह किया गया कि बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ जागो जनता जागो के नारे को बुलंद करते हुए ये बोला गया कि जब से केंद्र में भाजपा सत्तासीन हुई है, 2014 में सबसे पहले ये बोला गया कि घरेलू गैस का सब्सिडी सभी उपभोक्ताओं के खाते में आएगा। मधुबनी में भाजपा सांसद डॉक्टर अशोक यादव ने जन दर्शन कार्यक्रम के तहत अरेर मंडल के आधे दर्जन गांवों का दौरा कर स्थानीय लोगों से मुलाकात की। इस दौरान अरेर इंडियन ग्रामीण गैस वितरण केंद्र पर जदयू सवर्ण प्रकोष्ठ के मधुबनी जिलाध्यक्ष प्रदीप कुमार झा वासु ने मिथिला के रीति रिवाज के अनुसार पाग दुपट्टे से सांसद को सम्मानित किया। इस दौरान अरेर में प्रेस वार्ता करते हुए सांसद डॉक्टर अशोक यादव ने संबोधित भी किया। हमारी सरकार जो है वो निरंतर तत्पर है कि बाकी समस्या का स्थायी निदान हो जाए और बाकी बिहार सरकार, भारत सरकार के सहयोग से जल संसाधन के मंत्रालय से आपने बहुत जगह देखा होगा कि कोसी घर का नहर का भी काम हो रहा है, बहुत जगह बांध का भी ऊंचीकरण और सुदृढ़ीकरण हो रहा है, ये काम भी बड़ी तेजी से चल रहा है। मोतिहारी सदर अस्पताल में भर्ती कैदी की मौत के बाद राजद के पूर्व विधायक राजेंद्र राम हॉस्पिटल गेट पर धरने पर बैठ गए। मृत कैदी बंजरिया थाना क्षेत्र के झखिया का रहने वाला सोहन राम था, जिसे नशे की हालत में पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा था, लेकिन जेल में सोहन की तबीयत खराब होने पर जेल प्रशासन ने इलाज के लिए उसे सदर अस्पताल भेज दिया, जहाँ उसकी मौत हो गई। सामने आप डेड बॉडी देख रहे हैं। इस लड़का को 12 तारीख को नशा के आरोप में पकड़ा गया और पकड़ने के बाद में मुझे लगता है कि पुलिस के द्वारा काफ़ी पिटाई की गई और जेल जब भेजा गया तो जेल प्रशासन के द्वारा इसको बेहतर इलाज के लिए सदर हॉस्पिटल को भेजा गया। सदर हॉस्पिटल में मुझे लगता है कि बेहतर इलाज हुआ रहता तो यह नहीं मरता। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें बिहार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।